सत श्री अकाल, वेलकम टू ब्लूबर्ड रिवो। मैं हाँ जतिंदर सिंह। अज की वीडियो असी तुहाडे नाल जो अपडेट शेयर कर लगे हैं शैनगन की, कि शैनगन तो जो अपडेट्स आ रही ने, कि शैनगन दे विच जो एप्लीकेशन लग रही ने, किवें दी एप्लीकेशनस नू वीज़ा मिल रहा है, किवें मिल रहा। अज की वीडियो आपां इहदे बारे गल करांगे। वीडियो नू एंड तक जरूर देख लेना, क्योंकि इहदे विच तुहाडे लई काफ़ी कम की इनफॉर्मेशन होनी है जो तुहाडी हैल्प करेगी शैनगन वीज़ा लैण दे विच। तो जे तुसी साडा चैनल सबसक्राइब नहीं किया तो इन्हूं सबसक्राइब जरूर कर दो, क्योंकि होर भी जो वीडियोज़ असी लैके आते रहने वो अपडेट्स नाल रिलेटेड होंदियां ने, या फिर जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे या जो रिक्वायरमेंट्स होंदियां उन्हां दी इनफॉर्मेशन असी इस चैनल पर शेयर करते रहने। तो साडे चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर देना कि तुहाडे तक उस वीडियोज़ जिहड़ियां होणगियां तुहाडे तक पहुँचदियां रहन। अज की डेट जी शैनगन च एप्लीकेशन लग रही है, शैनगन का थोड़ा जिहा नज़रिया चेंज हो चुके एप्लीकेशन नूं लैके, असी भी उहदे अकॉर्डिंगली ही काफ़ी चेंजेस कीतियां ने अपने कवर लैटर च, आइटनरी च लैके, क्योंकि जो असी पुरानी आइटनरी या कवर लैटर यूज़ कर रहे सी उन्होंने सारे नूं असी चेंज कर दिता उहदे अपडेट नूं देखदे हुए, क्योंकि रिसेंट दे विच जो भी असी एप्लीकेशन लाइया सी उहनां दे विच जिहड़ी असी चेंज करके लाए ने उहनां नूं रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा वधिया देखण नूं मिलिया। इस टाइम शैनगन का फोकस ज़्यादा इन्हां चीज़ों पर ही है कि किहड़ा जेन्युइन ट्रैवलर हैगा जिहड़ा कि साडी कंट्री विच आके वापस जाएगा। जे उन्हां नूं लगता है कि यह परसन साडी कंट्री चों वापस नहीं जाण वाला तो उन्हां दे वीज़ा जिहड़े आ रिजैक्ट हो रहे हैं। तो असी अपनी जेन्युइनिटी जिहड़ी शो करनी आ उहनूं शो करन लई साडे डॉक्यूमेंट तां हुंदे ही ने, उहदे नाल नाल कवर लैटर ते आइटनरी जिहड़ी हुंदी आ उह वी तुहाडी जेन्युइनिटी शो करदी है कि तुसीं जेन्युइन हैगे हो या नहीं। क्योंकि जदों तुसी अपना एक ट्रैवल प्लान बना के वीज़ा ऑफिसर के सामने रखना है तो वो एक ट्रैवल प्लान जिहड़ा है तुहाडा प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है। जे तुहाडा ट्रैवल प्लान प्रैक्टिकल नहीं हैगा तो वीज़ा ऑफिसर नूं तुहाडी जिहड़ी क्रेडिबिलिटी है उहदे ते शक हुंदा है, क्योंकि उहनूं वीज़ा ऑफिसर नूं लगता है कि शायद इहदा जिहड़ा प्रैक्टिकल नहीं है ट्रैवल प्लान, तो मतलब इहनां दा जिहड़ा परपस है वह टूरिज़म नहीं है, कोई होर है। मीनस कि ये साडी कंट्री च आ के या तो किसी होर कंट्री च मूव होणगे उत्थों वापस नहीं जाणगे, या फिर साडी कंट्रीज़ दे किसी लॉ नूं या उहनां नूं ब्रीच करनगे या इत्थे रुकण दी कोशिश करनगे, उस केस जिहड़े आ वीज़ा ऑफिसर वीज़ा ज़्यादा रिफ्यूज़ कर देंदे आ। तो जदों भी तुसी एप्लीकेशन लानी है उस टाइम ध्यान रखना है कि इन्हां गल्लां दा, कि जिहड़ी तुहाडी आइटनरी है वह प्रैक्टिकल होवे। प्रैक्टिकल का मतलब यह है कि जो जो तुसीं पॉइंट्स लिखे ने उहदे विच जिते जिते तुसीं ट्रैवल कर रहे हो वो ट्रैवल पॉसिबल भी होने चाहिए है जिते तुसीं स्टे किया हो। जे तुसीं इन्नी दूर का कोई ट्रैवल दिखा दिता है जिते तुहाडा होटल है उतों वो है ही 200 किलोमीटर है, तुसीं सेम डे वापस कर रहे हो, कि उतों एक ट्रेन भी जाती है या नहीं जाती, या फिर उस जगह पर जाना तो वापस आना सेम डे च पॉसिबल होएगा, या जिहड़ी लोकेशन तुसीं देखण जा रहे हो उस लोकेशन नूं तुसीं एक दिन च एक्सप्लोर भी कर सकते हो कि नहीं। ये सारिया गल्लां होंदियां ने। नाल दे नाल जिहड़े तुसीं अपनी लोकेशन चूज़ करनियां ने ट्रैवल करन लई वो वाकई दे विच टूरिज़म लई भी फेमस होनियां चाहीदियां ने। तुसीं सिर्फ ओवें दी लोकेशन चूज़ कीतियां ने जो तुहानूं नैट तों गूगल तों बड़ी ईजली मिल जांदियां ने, तुसीं सिर्फ उहनां नूं कॉपी करके पेस्ट कर दिता अपनी आइटनरी दे विच तो तुहाडे वीज़ा दे चांस जिहड़े आ घट जांदे आ, क्योंकि वीज़ा ऑफिसर नूं लगदा है कि ये इंडिया तों आ रहे आ ते एवें दी प्लेस क्यों देखण जा रहे ने जो कि फेमस भी नहीं हैगी। तो फेमस प्लेस होनिया चाहीदियां ने ते ओ ओपन भी होनिया चाहीदियां ने, नाल दी नाल ओ प्रैक्टिकली पॉसिबल भी होनी चाहीदियां ने। ते जे तुहाडी आइटनरी इस तरीके नाल बनी हुई है तुहानू वीज़ा दे चांस ज़्यादा रहिंदे आ। नाल दी नाल जिहड़ा तुहाडा कवर लैटर है, कवर लैटर दे विच तुहाडा जिहड़ा मेन पॉइंट हुंदा ट्रैवल रीज़न दा कि तुसीं अपना परपस ऑफ ट्रैवल जिहड़ा लिख रहे हो वह भी एक प्रैक्टिकल होना चाहिए, वो जेन्युइन लगना चाहिए। इस करके जदों तुसीं कवर लैटर लिखना है तो इन्हां चीज़ों का ध्यान दे के लिखना है। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਲੈਟਰ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੀਜ਼ਨ ਜੋ ਵੀ ਟਰੈਵਲ ਦਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਫੋਕਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਨਗਨ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੈਂਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੈਨਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਬਜਟ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਲੈਟਰ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਆਪਣਾ ਕਵਰ ਲੈਟਰ ਅਤੇ ਆਈਟਨਰੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਟਲ ਬੁਕਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟਿਕਟ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਫਸਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਪਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਦੈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਂਸ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਚਾਂਸ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਬਹੁਤ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਸਨ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਨਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸ਼ੈਨਗਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਰਾਂਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਪੇਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਪੇਨ ਤੋਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਧੀਆ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਉਹਦੀ ਡਿਲੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਨ ਅਪਡੇਟ ਸ਼ੈਨਗਨ ਵੀਜ਼ਾ ਬਾਰੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਨਵੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।